देखो, मैं उस दिन भी समझा रहा था किसी को कि कर्म फल जो है ना वो भोगना पड़ता है यार। गलत मत करना कभी भी इस बिजनेस में, क्या जिंदगी में मत करना। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया, पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था बेचारा, कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वह आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा था। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है सर। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं होता है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने गए पैर, अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को, पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल भोगना है यार।